मेरी कहा है, खान साहब ने स्टेटमेंट दिए, फौज मेरी है, मुल्क हमारा है, हमारा किसी के साथ बशमूल किसी इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई झगड़ा है, हम किसी सरबराह और या किसी इदारे के खिलाफ हमने कभी भी कोई लफ्ज़ ऐसा नहीं इस्तेमाल किया कि हमारा उनके साथ झगड़ा। हमारा मंशूर यही है कि हम प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, इकानमी बेहतर हो, मुल्क आगे बढ़े, स्टेट अगर आगे तरक्की करना है, इकानमी बेहतर होना है तो ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन को अपना ड्यूटी परफॉर्म करे और सारे को लेवल प्लेइंग फील्ड दे दे। जिस तरीके से हमारे नामिनेशन फॉर्म उन्होंने रिजेक्ट करवाए हैं, हमें तो उम्मीद है इंशाल्लाह 8 फरवरी को अगर इलेक्शन हुए तो इनकी भी वन आफ्टर अदर इसी तरह सारे सीटें ये हारेंगे। लेकिन हमारा राइट है कि हम फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें, उसकी हम उम्मीद करते हैं। हम सबसे ये दरख्वास्त करते हैं शमूली सुप्रीम कोर्ट से कि आप इकदाम करें कि इस प्रोसेस में हम शामिल हो जाएँ। अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी को इस प्रोसेस से निकालते हैं तो आप पाकिस्तान और जमहूरियत का बहुत सख्त नुकसान कर रहे हैं, आप मुल्क को ऐसी तरफ धकेल रहे हैं जिससे शायद हम रिकवर ना कर सकें, जिससे इकानमी रिकवर नहीं कर सकेगी और जिससे तड़ कुवतें पैदा लेगी। अगर स्टेट कमज़ोर होगा तो आवाम भी कमज़ोर होगी और ये आईन के खिलाफ। लेकिन एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट तासुर क्यों नहीं ख़त्म हो सका? अच्छे से देखिए, अगर कोई तासुर बना रहे हैं तो ये वो तासुर आप बना रहे, हम एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं हैं। पाव खान साहब बारह कह चुके हैं बहुत जमाली इस्लामाबाद में लाखों बड़ी की पोस्टें हैं।